friends, today we will study maths of standard 8, chapter number 2, linear equation in one variable. Exercise 2.5. यहाँ पर हमको equation solve करनी है और x का value find करना है. तो first we will do जो variables हैं, उनको हम x side ले आएंगे और जो numbers हैं उसको दूसरे side लेकर जाएंगे. जैसे x upon 2 और ये x upon 3. अब यहाँ इस side आएगा तो ये minus हो जाएगा. Then 1 by 4 को हमने ऐसे ही रखा और ये माइनस है, इस साइड जाएगा 1 by प्लस हो जाएगा 1 by 5. अब यहाँ पर हमको LCM मेथड से करना है, या 2 और 3 का LCM लेंगे हम तो हमको ये LCM मिल जाएगा 6, और यहाँ पर हम LCM लेंगे तो हमको मिल जाएगा 20. तो हम इसके थ्रू हमको सॉल्व करना है. तो यहाँ पर 6 हो गया, 2 3 जा 6 तो ये 3x, एंड 3 2 जा 6 तो ये हो गया 2x. सेम ये हमारा LCM 20 हुआ. 4 5 जा 20 एंड 5 4 जा 20. 3x में से 2x माइनस किया तो x by 6 is equals to 4 plus 5 9 by 20. अब यहाँ पर हमको क्रॉस मल्टीप्लिकेशन हो जाएगा, ये इस टाइप से x को हमको यही रखना है, 6 9 के साथ चला जाएगा एंड 20 यही रहेगा. तो अब हम इसको कट कर लेंगे, 2 3 जा 10 सॉरी 2 3 जा 6 एंड 2 10 जा 20. तो ये हो गया 9 मल्टीप्लाई बाय 3 बाय 10. तो x का वैल्यू हमारे पास हो गया 9 3 जा 27 बाय 10. अब इसको इंटीजर रूप में ले हम तो ये हो जाएगा 10. सेम क्वेश्चन नंबर 3. सेकंड क्वेश्चन सेम इसी टाइप से है, तो वो आपको खुद से सॉल्व करना है. क्वेश्चन नंबर 3 में बता रही हूँ, यहाँ पर भी सेम हमको यही करना है. वेरिएबल वाले जो नंबर है वो हमको इस साइड ले आने हैं. तो कौन कौन से वेरिएबल्स के हैं, x माइनस 8x अपॉन 3, अब ये जो है माइनस है तो ये प्लस, 5x अपॉन 2, और यहाँ पर है ये 17x, और ये माइनस यहाँ हो जाएगा, इसको हमने 1 कर दिया. अब यहाँ पर भी हमको सेम मेथड करनी है, एलसीएम ले लेना है. 3 एंड 2 का एलसीएम 6 होगा, तो यहाँ पर हमने ये 6 लिया, 6 1 जा 6 6x माइनस 3 2 जा 6 एंड 8 2 जा 16 प्लस 2 3 जा 6 एंड 5 3 जा 15x. अब ये यहाँ पर भी हमारा 6 एलसीएम हो गया, ये हो गया 17 एंड 7 6 जा 42. इसको हम सॉल्व कर लेंगे, 15x और 6 को प्लस किया हमने तो ये हो जाएगा 21x माइनस 16x अपॉन 6 इज इक्वल्स टू 42. में से हमने 17 माइनस किया, 12 में से 7 हुआ तो 5 एंड 3 में से 1 हुआ तो 2 बाय 6. ये माइनस आएगा क्योंकि ये माइनस का नंबर बिगर है. अब यहाँ पर ये 6 और 6 दोनों अपॉन में है तो हमने ये कैंसिल कर दिया. अब हमारे पास नंबर क्या बचा, 21x माइनस 16x इज इक्वल टू माइनस 25. अब यहाँ पर 21 में से हमने 16 को माइनस किया तो ये हमारे पास बचा 5x माइनस 25. तो x इज इक्वल टू 5 मल्टीप्लाई में था रिजल्ट इस साइड जा पर डिवाइड हो गया, 5 1 जा 5 5 5 जा 25. तो x का वैल्यू हमारे पास आ गया माइनस 5. ये हमारा आंसर है. देन क्वेश्चन नंबर 4 भी इसी टाइप से है तो आपको सॉल्व करना है खुद से. देन क्वेश्चन नंबर 5 में आपको बता रही हूँ, आपको यहाँ पर भी हमको यही करना है. वेरिएबल्स के जो नंबर है वो हमको एक साइड में रखने हैं. तो पहले ये बिगर नंबर है तो हम पहले इसको सॉल्व कर लेते हैं, फिर हम टी को ले आएंगे, या फिर टी को भी हम साथ में कर सकते हैं. 3t माइनस 2 बाय 4 माइनस 2t प्लस 3 बाय 3 ये है प्लस टी इज इक्वल टू माइनस का तो यहाँ पर आके प्लस हो गया. अब यहाँ पे 4 एंड 3 का एलसीएम कितना हो जाएगा, एलसीएम इज 12. सो हमको यहाँ पर करना है 4 3 जा 12 तो ये 3 से मल्टीप्लाई हो जाएगा. देन 3 4 जा 12 2t प्लस 3 और यहाँ पर प्लस टी है तो ये 12 से मल्टीप्लाई हो जाएगा, टी अपॉन 1 कर देंगे तो ये हो जाएगा 12t इज इक्वल टू 2 बाय 3. देन हमको यहाँ पे इसको सॉल्व करना है,
3 3 90 माइनस 3 2 6 देन 4 2 80। अब यहाँ पर ये माइनस है, 15 वाला साइन चेंज हो जाएगा, प्लस की जगह हो जाएगा माइनस, 4 3 12 प्लस 12 t। अब ये जो 12 है इसको हम यहाँ पे डिवाइड में है तो इस साइड ले जाता था, हम मल्टीप्लिकेशन में कर देंगे, तो ये हो जाएगा हमारे पास 2 × 12/3। ये जो 12 है ये यहाँ पर जाके क्रॉस करेंगे तो यहाँ पे जाके मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो ये इसको हम कट कर देंगे, 3 × 3 3 × 4 12। अब यहाँ पर हम इसको जो भी वेरिएबल्स वाले हैं इनको सॉल्व कर लेंगे, तो कितना हो जाएगा 90 माइनस 80 प्लस 12। ओके, देन ये माइनस और माइनस होता है प्लस, 12 प्लस 6 इज 18 इज इक्वल टू 4 2 8। अब यहाँ पर इन दोनों को प्लस कर लेंगे, 12 प्लस 9 21, 21 में से 8 माइनस किया तो कितना बचेगा हमारे पास 13 t। ओके, देन माइनस 18 है तो माइनस 18 को हम उस साइड लेकर जाएंगे, 8 प्लस 18 हो जाएगा 13 t इज इक्वल टू 8 प्लस 18 प्लस 8 8 प्लस 16 आएंगे 26, तो t इज इक्वल टू 26/13, 13 × 13 13 × 26। तो यहाँ पर t का वैल्यू हमारे पास कितना हो गया 2। दिस इज आवर आंसर। ओके, नाउ क्वेश्चन नंबर 8 इज, इक्वेशन को सॉल्व करना है, लीनियर इक्वेशन है एंड सिंपलीफाई करना है, तो यहाँ पर जस्ट हमको 7 नंबर क्वेश्चन एंड 9 नंबर क्वेश्चन सेम इसी टाइप से, तो आपको यही देखकर सॉल्व करना है खुद से। अब यहाँ पर हमको मल्टीप्लाई करना है, 15 का y में मल्टीप्लाई करेंगे तो 15y माइनस 15 4 16, माइनस है तो माइनस ही रहेगा, 2y के साथ मल्टीप्लाई किया तो 2y एंड माइनस माइनस प्लस, 2 9 18 प्लस 5y प्लस और प्लस प्लस ही रहेगा, 5 6 13, हमको आंसर में 0 लाना है। ओके, तो ये हो गया हमारा, अगर अब हम इसको LHS टाइप से भी कर सकते हैं कि हमको ये लेफ्ट हैंड साइड को राइट हैंड साइड के इक्वल लाना है, ये भी कर सकते हैं हम लोग, क्योंकि हमारे पास यहाँ पे y का वैल्यू भी निकाल सकते हैं और दोनों टाइप से कर सकते हैं। तो ये यहाँ पर अब जो भी वेरिएबल नंबर्स हैं उनको हम साथ में रख लेंगे, 15y माइनस 2y प्लस 5y। ओके, ये साथ में हो गए माइनस 60 प्लस 18 प्लस 30, ये हमको साथ में कर देना है। अब यहाँ पे देखिए 15 प्लस 5 और 20 में से 2 माइनस करेंगे तो कितना हो जाएगा 18y माइनस, अब यहाँ पर ये दोनों प्लस वाले हैं तो इनको प्लस कर दिया हमने, कितना हो गया 48, 60 में से 48 माइनस कर देंगे तो कितना हो जाएगा 18y माइनस, 10 में से 8 माइनस किया तो 2 एंड 5 में से 4 माइनस किया तो 1। अब इसको हमने इक्वेशन बदल ली है हमारे पास, 18y इज इक्वल टू माइनस को 12 साइड जाएगा तो ये प्लस में हो जाएगा, देन y इज इक्वल टू 12/18। अब ये दोनों किसके टेबल में आता है, 3 के टेबल में या 6 के टेबल में, डायरेक्ट हम 6 से भी कर सकते हैं, 6 2 6 3 6 6 कैंसिल हो गया तो y का वैल्यू हमारे पास हो गया 2/3। दिस इज आवर आंसर। ओके, देन क्वेश्चन नंबर 9 आपको ऐसे ही करना है। अब क्वेश्चन नंबर 10 मैं आपको बता रही हूँ, यहाँ पर ये डेसिमल का सम, डेसिमल के सम को हम पहले हम इसको डेसिमल में से फ्रैक्शन में चेंज कर देंगे। फ्रैक्शन में चेंज करने के लिए हम क्या करते हैं कि जैसे ये -25 है तो 0.25 सॉरी, तो पॉइंट हटा के हम क्या कर देते हैं इसको 100 ले आते हैं, सेम 4y - 3 इज इक्वल टू 0.05, इट मीन्स ये डेसिमल हटाया हमने और 100 किया। ओके, देन 10f - 9
देन इसका हम अंदर मल्टीप्लाई करना है या फिर यहाँ पे हम इसको डायरेक्ट कर भी कर सकते हैं। 25 + 25 = 25 × 100, तो 1/4 हो गया ये। 4f - 3 = यहाँ पे भी सेम कर सकते हैं, 5 × 5 = 10 है 0, तो 1/20 × 10f - 9। तो ये आपको इजी होता जाएगा सब, है ना। बहुत बड़ी बड़ी नंबर आपको इसको नहीं होगा, कंफ्यूजन नहीं होगा। अब यहाँ पे इसका मल्टीप्लाई किया 4f - 3/4, 3 का वन इसके मल्टीप्लाई करेंगे तो 3 × 3 = 4। सेम यहाँ पर ये करना है 10f / 20 - 9/20। यहाँ पे क्या हो जाएगा, ये 4 × 4 = 4 कैंसिल हो गया, यहाँ पे भी 10 × 10 = 10 × 20। तो हमारे पास क्या बचा, f - 3/4 = f/2 - 9/20। अब यहाँ पे क्या करना है, हमको जो वेरिएबल है उसको एक साइड ले आना है, f - f/2 = -9/20, ये माइनस से प्लस हो जाएगा 3/4। अब यहाँ पर इन दोनों का एलसीएम लेंगे तो 2 हो जाएगा, 2 × 2 = 2, तो ये हो गया 2f - f = यहाँ पर 4 और 20 का एलसीएम लेंगे तो 20 हो जाएगा, तो ये होगा -9 + 4 × 5 = 20 and 5 × 3 = 15, इतना हुआ। देन 2f में से f को माइनस कर देंगे हम, तो कितना आ जाएगा, f/2 = यहाँ पर 15 में से 9 को माइनस करेंगे तो कितना रहेगा हमारे पास, 6/20। ओके, अब यहाँ पर क्रॉस मल्टीप्लीकेशन करेंगे, ये इधर हो जाएगा और ये इधर हो जाएगा, इट मीन्स f = 6 × 2 and 20, 2 × 2 = 10, then 2 × 3 = 6 and 2 × 5 = 10, तो ये f का वैल्यू हो गया हमारे पास 3/5, यही हमको यहाँ पर फाइंड करना था। ओके, थैंक यू।